बड़ी खबर, केजरीवाल ने की स्वाति मालीवाल की पिटाई। पीए विभव कुमार के साथ मिलकर केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की पिटाई। स्वाति मालीवाल ने फोन कर पुलिस को कहा, केजरीवाल ने विभव कुमार के साथ मिलकर मेरी पिटाई की। आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस बुलाई है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम आवास के भीतर पीटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को आपकी राज्यसभा सांसद सीएम आवास पहुंची थी। यहां उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने मारपीट की, उन पर हमला किया। इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। सीएम आवास पर मारपीट की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। बताया गया कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकलकर पुलिस थाने भी पहुंच गई। बताया गया कि यह मारपीट की घटना सोमवार सुबह 9:36 पर सीएम आवास के भीतर हुई। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक फोन कॉल में यह भी कहा कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर की। बताया गया कि इस मामले में 2 फोन किया गया। यह भी बताया गया कि पुलिस के पहुंचने पर स्वाति मालीवाल मौके पर नहीं मिली, वह दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंच चुकी थी। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने सोमवार को केजरीवाल के नेताओं को लेकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की? क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय कोई स्पष्टीकरण देगा इस पर? करें मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर झूठी हो। उन्होंने कहा, स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई, अगर यह सच है तो देश में किसी भी सीएम हाउस में इतना बड़ा पाप पहले नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्वाति को क्यों पिटवाया? काश यह खबर झूठ हो। अगर सच है तो हम स्वाति मालीवाल को अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल, उनके निजी सचिव विभव कुमार और स्वाति मालीवाल ने अभी आधिकारिक रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तरी दिल्ली के DCP भी सिविल लाइंस थाने में पहुंच गए हैं, लेकिन अब इस मामले में सियासत भी होना शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इस मुद्दे पर कहा, पहले मुख्य सचिव और कई अधिकारियों को वहां पर मारा और डराया गया है, अब आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल को जिस तरह से सीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के सचिव विभव ने पीटा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय बॉक्सिंग रिंग बन गया है, अखाड़ा बन गया है, जिसको चाहो पीट दो। अफसरों के बाद अब सांसदों की बारी आई है। दोषी पर FIR होनी चाहिए। यह घटना बताती है कि दाल में कुछ काला है, आप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मामले में दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे पर कहा, हमें आज एक शर्मनाक खबर मीडिया के जरिए मिली है। हमें खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल के उकसाने पर उनके OSD ने पार्टी की एक सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और उनसे बदसलूकी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन कर शिकायत भी की है। यह घटना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में उनके आवास पर हुई है। बीजेपी इस घटना की निंदा करती है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।